नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इस समय कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमने पिछले वीडियोस में कुछ एक्सरसाइज आपको बताई हुई है और इस वीडियो में भी हम एक नई एक्सरसाइज सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारी कलाई या कोहनियों, अगर यहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, यानी कि आपकी मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके हाथ की मूवमेंट कलाई प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रही है, तो हमें उस समय कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस समय पर जो मैंने पिछली एक्सरसाइज बताई है वो तो करनी ही है, ये एक्सरसाइज और एड ऑन कर लेना है। तो आपको पहले उन पिछले वीडियोज़ को ध्यान से देखना है और उसके साथ में ये एक्सरसाइज और एड ऑन कर लीजिए। तो देखते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले जिस भी पेशेंट को ये एक्सरसाइज करनी है उसे अपने दोनों पैरों के पंजों पर बैठना है घुटने के बल में, जैसे इन्होंने ये बैठ के बैठे हुए हैं थोड़ा, और उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाकर आगे की तरफ रखना है और सारा का सारा वेट अपनी बॉडी का दोनों हाथों के पंजों पर डाल देना है। तो ये आपकी कलाई के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ेगा और ये 6 सेकेंड का होल्ड करेंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद में वापस आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक बार फिर आगे की तरफ जाएंगे और पूरी बॉडी का प्रेशर आगे की तरफ कलाई के ऊपर डाल देंगे। फिर 6 सेकेंड का होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस आ जाएंगे और हाथ को अपने दोनों थाई पर रख लेंगे। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपने 5 बार कर दी है, यानी 5 बार रिपीट करेंगे और 5 सेकंड का 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो एक सावधानी जरूर रखनी है कि आपके एल्बो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एल्बो सीधी रहनी चाहिए और पूरी बॉडी का प्रेशर इस तरीके से आगे की तरफ आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक मुर्गा अपनी पूरी बॉडी का वेट अपने दोनों हाथों पर डालकर बैलेंस बनाकर चलता है, इसी प्रकार हमारा वेट भी पूरा का पूरा दोनों हाथों पर प्रॉपर होना चाहिए। इससे आपकी कलाई की और कोहनी की मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। और ये एक्सरसाइज आपको जो पिछली एक्सरसाइज है उसके साथ एड ऑन कर लेनी है और लगभग ये धीरे धीरे कर आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी, जिससे धीरे धीरे आप अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल खास तौर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को करना चाहिए और धीरे धीरे उनकी मांसपेशियाँ धीरे धीरे मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी और उनकी मांसपेशियों में मजबूती आ जाएगी। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोस में हम कुछ नई एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे जिससे कि आपको या जिनको भी मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है उनको वो सारी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, अधिकतम लोगों तक पहुँचाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार। और आप सबके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।